सहकारी समितियों के कर्मचारियों की पिछले 16 दिनों से चल रही हड़ताल में शुक्रवार को सभी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पोस्ट कार्ड लिखे। बता दें कि जिले में 550 कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते जिले के 324 उचित मूल्य की दुकानें बंद है, जिसके कारण भावांतरण भुगतान योजना के पंजीयन और राशन वितरण के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने के चलते कर्मचारियों ने 16वें दिन भी प्रदर्शन जारी रखा और सीएम को पोस्ट कार्ड लिखकर गुहार लगाई। सहकारी समिति के अध्यक्ष केपी झाला और सचिव कमल सिंह राजावत ने बताया कि महासंघ के आह्वान पर 45 जिलों के कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल भोपाल गए थे, जहां सरकार से हुई चर्चा विफल रही, जिसके कारण हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। शुक्रवार को सभी कर्मचारियों ने सीएम को पोस्ट कार्ड लिखे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अशोक सिंह, अनवर पटेल, कैलाश मकवाना, दिलीप चौकसी, प्रहलाद जाट, बाबूलाल बैंडवाल, राकेश रोजवानी, नारायण सिंह पवार आदि मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे हम सब। जब दिनांक 22/2/18 से मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारियों भोपाल के जिला इकाई उज्जैन की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस हड़ताल के जारी में 2-3 बार सहकारी मंत्री जी और आयुक्त महोदय से चर्चा रही, कुछ चर्चा विफल रही, कुछ मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, उसमें कुछ उन्होंने बात मानी, कुछ कर्मचारियों द्वारा और मांगे रखी गई, उन्होंने और समय मांगा, 1-2 दिन का बोला कि मांगे पूरी करेंगे। इस बीच मैं भी भोपाल गया था, चर्चा मंत्री जी से हुई। आज हड़ताल का 16वां दिन है। आज हड़ताल के 16वें दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी के नाम पोस्ट कार्ड पे हमारी मांगों का निराकरण के लिए संयुक्त पूरे जिले के कर्मचारियों ने पोस्ट कार्ड पे लिख के मांग का जल्द निराकरण करने के लिए निवेदन करा है। हम सभी पूरे शांतिपूर्वक ये आंदोलन चला रहे हैं। हमें तो आशा है कि 1-2 दिन में हमारी मांगें पूरी हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन बहुत उग्र ले लेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाएगी तो पूरे कर्मचारी उग्र हो जाएंगे